सो हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करें कि आप वन प्लस नॉर्ड CE3 लाइट 5G मोबाइल में दोस्तों आप स्क्रीन फिंगरप्रिंट लॉक कैसे सेट करेंगे। दोस्तों अगर आप चाहते हैं अपने मोबाइल में स्क्रीन फिंगरप्रिंट लॉक लगाना, तो बहुत ही आसान तरीके से आप अपने मोबाइल में फिंगरप्रिंट स्क्रीन लॉक को सेट कर पाएंगे। तो फिंगरप्रिंट स्क्रीन लॉक को सेट करने के लिए आप अपने मोबाइल की सेटिंग्स में जाएंगे, और सेटिंग्स में जाने के बाद दोस्तों आपके मोबाइल में कुछ इस तरह से इंटरफेस हो जाता है। अब आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करना, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने में आता है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, तो आपको इस पर क्लिक करना है। और यहाँ से आपको फिंगरप्रिंट का ऑप्शन मिल जाता है, आपको इस पर क्लिक करना है। और यहाँ से दोस्तों आप अगर आपने पहले से कोई भी स्क्रीन पैटर्न या पिन लॉक बनाया रहेगा वो आपको डाल देना है। और यहाँ से दोस्तों आप अपने मोबाइल में फिंगर को टच करके अपने मोबाइल को स्कैन यानी फिंगर को ऐड कर लीजिए। तो यहाँ से हम दोस्तों कर लेते हैं फिंगर सेंसर फिंगर को टच, और आप भी अपने मोबाइल में फिंगर सेंसर फिंगर को टच करके अपने दोस्तों फिंगर को ऐड कर लीजिए। तो यहाँ से मैं फटाफट कर लेता हूँ ऐड, और उसके बाद में दोस्तों जैसे ही हमारा फिंगर ऐड हो जाएगा तो यहाँ पे आपको कुछ दोस्तों यहाँ पे डन का ऑप्शन मिल जाता है, तो आपको डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही डन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके मोबाइल में सक्सेसफुली फिंगरप्रिंट ऐड हो जाएगा। आप दोस्तों मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं मैंने मोबाइल को लॉक किया, लॉक करने के बाद दोस्तों आप फिंगर से फिंगर को टच करता है और हमारा मोबाइल जो है वो अनलॉक हो जाता है। तो इस तरह से दोस्तों आप भी अपने मोबाइल में आसान तरीके से दोस्तों फिंगरप्रिंट लॉक को सेट कर पाएंगे। वीडियो से कम नहीं, वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में।